गर्मी का मौसम होता है ना, तो हमारी हालत ख़राब होने लगती है, और हमारी हालत ख़राब होती है तो हमारे पौधों की क्या हालत होंगे आप सब समझ सकते हैं। मैं सरिता दिल्ली से, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बस अभी अभी मैं अपने ऑफिस से आई हूँ, तो मैंने कहा कि एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। और भी हम अपने साथियों से हमेशा ये मैं कहती रहती हूँ कि आप सब जो है, जब भी गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो आप सब अगर टेरेस गार्डनर हैं या विंडो गार्डनर हैं, बालकनी गार्डनर हैं, तो आप सब ना इसी नाम से सर्च किया करें गूगल से, और ख़ास करके टेरेस गार्डन से ही सर्च किया करें। इसी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर आप विंडो गार्डनिंग भी करते हैं या बालकनी गार्डनिंग करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो मील है ना, वो बिल्कुल अलग सा तैयार किया जाता है। आप सबको मालूम है, जो ज़मीन में ग्राउंड गार्डनिंग करते हैं, उसके रूप रेखा जो है बिल्कुल अलग होती है। उसके लिए हमें मील तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर पौधों में अलग अलग समय में हम खाद डालते रहते हैं, और जो ज़रूरत के खाद होते हैं वही उनके अंदर डालते हैं। बट जब हम गार्डनिंग करते हैं कंटेनर में और गमलों में करते हैं, तो उसके लिए पूरी की पूरी हमें मील मिट्टी जो है वो तैयार करनी पड़ती है, और उसी में हम ये प्लांट्स लगाते हैं। तो दो चीज़ें बहुत ही ख़ास है। दूसरा क्या है कि टूल्स के बारे में भी हम कहना चाहेंगे कि जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, गमलों की साइज़ के हिसाब से अगर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। अगर छोटे गमले में हम बड़े टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हमने खुरपी इस्तेमाल की है 6 इंच के पौधे में, और बड़े वाले खुरपी से अगर हम गुड़ाई करते हैं, तो उसके जो ऊपर की जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं, और फिर वो पौधा हमारा नुकसान हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पानी की भी मात्रा, अगर हम गमलों में पानी डालने लगते हैं तो हमें ये देखना होता है कि अगर छोटे गमले में हम पानी डाल रहे हैं तो एक माप होना चाहिए, हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस गमले में हमने कितना पानी डालना है जिससे कि उसमें पर्याप्त पानी हो जाए। बड़े बड़े पौधों के लिए जो बातें होती हैं वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने छोटे गमले में एक मग्गा पानी डाला है, एक जग पानी डाला है, और उतनी ही क्वांटिटी में आप बड़े पौधों को बड़े गमलों में, जैसे कि 20 इंच या 24 इंच के हमारे गमले जिसमें बोगनवेला लगा हुआ है, अगर उसमें भी आप उतना ही पानी डाल के छोड़ देते हैं, तो सिर्फ वो पानी जो है ऊपर ऊपर रह जाता है, और वो रूट तक पानी नहीं जाता है, और उसकी प्यास नहीं उस पौधे की बुझती है, तो वो पौधा धीरे 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 करके वो सूख जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको कि हमें मैनेज करना होता है। अगर हम इस चीज़ को अपने इंटेलिजेंस से मैनेज नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमें कोई बताता नहीं है। हमें खुद को ये पता होना चाहिए कि हमें 1 गिलास पानी की प्यास है या 2 गिलास पानी की प्यास है, और उसी मात्रा में हम जो है पानी पीते हैं। वही चीज़ लागू होती है हमारे पौधों के साथ भी। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बहुत बार जो है हम गूगल में सर्च करते हैं, और जितने भी हमारे यूट्यूबर गार्डनर्स हैं उनको देख करके कि उन्होंने ये वाला फर्टिलाइज़र जो है यूज़ किया है, उन्होंने ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। दो चीज़ें होती हैं, जब इस तरह के हम बातों को देखते हैं, फर्टिलाइज़र कौन कौन यूज़ कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट फर्टिलाइज़र को चेंज कर देते हैं। उसका एक ड्यूरेशन आप देखिए, 15 डेज से बिफोर कोई भी जो कंपोस्ट होता है ना, वो हमें अपने प्लांट्स में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ओवर कंपोस्टिंग से भी पौधे जो है ना वो भी डेड हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि है जिसका कि हम सबको अपने गार्डनिंग करते समय बहुत ही ख्याल रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये हो जाती है कि हमें इस बात का ज़रूर ही ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास जो पौधा है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। वो अगर सैकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे जेड प्लांट का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, कि लोगों को लगता है कि जेड प्लांट जो है वो बहुत ही हार्डी प्लांट है और उसे हम भरपूर धूप में रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, बट वो भी एक सकुलेंट फैमिली का पौधा है। अगर उसमें भी आप ओवर वाटरिंग करेंगे या फिर आप उसमें अंडर वाटरिंग करते हैं, तो वो पौधा बहुत जल्दी ही मर जाता है। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि मेरा जेड पौधा जो है वो मर गया,
क्यों नहीं हमारे यहाँ चलता है, उसकी वजह यही होती है कि बहुत सारे लोग जो है उसे या तो बिल्कुल धूप में रख देते हैं, हार्डी प्लांट सुन करके उसमें या तो पानी नहीं डालते हैं, और अगर पानी डालते हैं तो जिन लोगों को, जो बिगनर्स होते हैं, जिन्हें इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल ही नहीं रहता है कि पानी देख करके डालना है, या फिर वो अगर देखते हैं किसी चीज़ को, अगर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो उस पर वो तवज्जो नहीं देते हैं, उतना ध्यान से उतना ख्याल करके उन बातों को नहीं सुनते हैं कि जेट लैंड में ओवर वाटरिंग से भी पौधा मरता है। तो ये एक रीज़न होता है बहुत सारे लोग जैसे जेट प्लांट को। और तीसरी मतलब चौथी पांचवी बात जो हमारी ज़िंदगी में है बहुत ही ख़ास है कि इस चीज़ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो हमसे उदाहरण देते हैं कि सरता मैंने तो देखा है उन्होंने ड्राइंग रूम में अपना जेट प्लांट रखा था, मैंने तो देखा है कि ड्राइंग रूम में उन्होंने पाम ट्री रखा है, मैंने देखा है कि फर्केरिया उन्होंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, सारी चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन उन्हें भी ड्राइंग रूम में आप जो लोग भी ऐसा वीडियो बनाते हैं या डेकोरेशन की चीज़ें दिखाते हैं तो वो आप ये मान के चलिए कि वो चीज़ें सिर्फ उस वक्त डेकोरेशन के लिए ही यूज़ की जा रही होती है, कोई भी इस तरह के पौधों को अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में रख करके बिल्कुल हफ्ते भर के लिए नहीं छोड़ता है। अगर आपने रखा भी है और अगर वो लोग रखते हैं और वीडियो बनाते हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, उसके बाद वो वीडियो बनाने के बाद उस पौधे को बाहर निकाल करके जो उसकी जगह होती है, जिसको जितनी धूप चाहिए वहाँ पे रख देते हैं। तो ये छोटी और लेकिन मोटी मोटी बातें हैं, बहुत ख़ास इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जिन सारी बातों को हम सबको गार्डनर्स को अपनाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे पहले मैंने आपसे कही थी कि जब भी अगर आपको गार्डन में अगर बनाना है अपने टेरेस पे या बालकनी में, तो इस तरह के आप वीडियोज़ को देखिए और उनके मील को कैसे तैयार किया जाएगा इस चीज़ को जाँच और परख के कीजिए। क्योंकि बहुत बार जो है हम सिर्फ देखते हैं कि अच्छा इस प्लांट को कैसे लगाना है, ये हमने तरीका देख लिया, इस पे ख्याल नहीं करते हैं कि वो गार्डन जो है ग्राउंड में लगाया जा रहा है, वो प्लांट ग्राउंड में लगाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल 100% दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है, ग्राउंड गार्डनिंग में और टेरेस बालकनी विंडो गार्डनिंग में बहुत अंतर है। तो ये तीनों चीज़ें एक कैटेगरी में आती हैं, जैसे टेरेस गार्डन है, मतलब टोटल मिला के हम कह दें कि कंटेनर गार्डनिंग वाली बात जो होती है वो बिल्कुल अलग है, और ग्राउंड गार्डनिंग वाली बात जो है बिल्कुल अलग है। तो दोनों चीज़ों को अलग रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो है बहुत कुछ खास खास मुद्दों पर हमने आपसे बातचीत की है और इस पर आप सब भी अमल करेंगे, क्योंकि शुरू में मैंने भी बहुत ही पछतावा किया है, इन सारी चीज़ों के अंतर को मैं नहीं समझ सकती थी, इसलिए मैंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप सबके साथ ना। तो आज बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही आती हूँ किसी नए विषय पे आपसे बातचीत करने के लिए और नया वीडियो बना करके। तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।